श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञान प्रद कहानियां, दूध और खून। गुरु नानक लोगों को उपदेश देते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां वे गरीब बढ़ई के घर पर ठहरे। उसका नाम लालो था। उसी गांव में धनाढ़य व्यक्ति रहता था जिसका नाम मालिक भागो था। उसने एक दिन गुरु नानक देव जी को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु गुरु नानक देव जी उसके घर भोजन करने नहीं गए। तब वह स्वयं स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंचा, परंतु गुरु नानक देव जी उसका भोजन नहीं खाकर बढ़ई का रूखा सूखा भोजन खाने लगे। इस पर भागो विरोध करने लगा। तब गुरु नानक ने भागो की रोटी लेकर उसे दबाया तो उसमें से खून निकलने लगा। फिर लालो की रोटी को दबाया तो उसमें से दूध निकलने लगा। यह देख वहां उपस्थित लोग चकित हो गए। तब नानक देव जी ने बताया, भागो ने गरीबों को लूटा है, इसलिए इसकी रोटी में गरीबों का खून है, जबकि लालो की कमाई ईमानदारी की है, अतः उसकी रोटी से दूध निकला। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, साधक को सुकर्मी होकर साधना करनी चाहिए एवं मेहनत की कमाई से जीवन निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। बाबा देवी साहब ने जब गुरु महाराज से पूछा कि लाला पिता का अन्न खाते हो तो बदले में उनका कोई काम करते हो, गुरु महाराज के नहीं कहने पर बाबा साहब ने कहा था, बिना काम किए पिता का भी अन्न खाओगे तो खून खराब हो जाएगा और साधना में नहीं बढ़ पाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।